देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। तो बच्चों देखो ये तीन भाग में बना हुआ है, बी वन बी टू बी थ्री। अब देखो बच्चों जो बी वन और बी थ्री है उसे कारण जीरो, क्यों? क्योंकि जस्ट उसके नीचे निकाल रहे हैं, कोई मतलब उस लाइन में और जहां निकालना है उसके बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो डिग्री है। इसमें तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों इस आर्क की, बी टू का यहाँ फर्क खाली आपका बी होगा। ठीक, तो बी इक्वल टू हो जाएगा बी टू, बी इक्वल टू आ गया बच्चों बी टू। और आप जानते हो किसी आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई थीटा अपॉन आर। तो आप थीटा कितना है 90, मतलब पाई बाई टू, तो जहां थीटा वहां पाई बाई टू रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो ये आपका फोर टू जार एट हो जाएगा, थीटा के सामने पाई बाई टू, तो ये आर हो गया, मान लिया इसकी आर है तो। ठीक, तो बच्चों बहुत ही आसान है। आप देखो हमने इसके बहुत सारे प्रॉब्लम लगवा दिए आपको फिगर वाले, क्या होता है आपको केवल फिगर देख के फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हो। आप पहले फिगर को देखो, देखो उसमें कितने पार्ट में है, देखो एक दो तीन, तीन पार्ट में था बच्चों, हमने बी बाई बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री लिख दिया। अब आप देख लो कौन कौन जीरो हो रहा है, तो बी वन बी थ्री जीरो हो गया, बस बी टू बी बाई बी टू हो गया, बी टू का मान हमने लिख दिया।